नामांकन दाखिल हो चुके, कल नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन है, लेकिन इस बात के पक्के आसार है कि सर्वसम्मति का रास्ता खत्म हो चुका है। खड़गे और थरूर का मुकाबला तय है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन शशि थरूर पूरे जोश में है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर नागपुर से हैदराबाद तक घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। थरूर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने का वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में कोई बदलाव नहीं ला सकेंगे, उनके अध्यक्ष बनने से पुराना सिस्टम ही बना रहेगा, जरूरत युवा अध्यक्ष की है। शुरुआत से भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस युवाओं की कांग्रेस बनना चाहिए, क्योंकि भारत में युग देश 52% 25 साल से नीचे है, और अगर आप 35 साल से नीचे देखेंगे तो 65% लोग इतने ये युवा के हैं। तो ये जवान देश जब है हमारे, और जैसे कि एक मेजोरिटी हमारे मतदाता के वोटर्स जवान है, तो उनकी आवाज सुनने की बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर का है। थरूर कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 का हिस्सा हैं, और माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस आलाकमान की पसंद हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ किया है कि उनकी कोई निजी पसंद नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे कहा है कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, कि गांधी परिवार निष्पक्ष रहेंगे, और अगर किसी ने कहा कि पार्टी के समर्थन किसी के साथ है, वो बिल्कुल बात सही नहीं। इस हालत में मुझे इस विषय पर कोई चिंता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शशि थरूर को यकीन है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, अंडरडॉग भी कभी कभी जीतते हैं, देखते हैं। शशि थरूर के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं। खड़गे के मुताबिक शशि थरूर ने उन्हें उम्मीदवार बनने पर बधाई देने के लिए फोन किया था। तब उन्होंने थरूर से सर्वसम्मत उम्मीदवार के लिए कोशिश करने का सुझाव दिया था, लेकिन थरूर नहीं माने। उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया था कंग्रेचुलेट करने के लिए, तब मैंने कहा धन्यवाद आपको, लेकिन ये बेटर होगा कि कंसेंसस कैंडिडेट बनके एक ही उभर के आए। तब उन्होंने कहा नहीं, डेमोक्रेसी में फाइट करना है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, लेकिन दोनों नेताओं के रुख से साफ है, चुनाव तय है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर, नागपुर से योगेश पांडे, और दिल्ली से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।